हेलो मेरे यार वन सुप्रीम कृष्ण एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। यूज़ दी हेडफोन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि लियन अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाकर उन दोनों स्क्रिप्चर्स वाले दीवार को आपस में टकराने से रोक रहा होता है और कहता है, ये जो डिवाइन स्क्रिप्चर्स है इस वर्ल्ड की सीमा से परे हैं। ये स्क्रिप्चर्स वर्ल्ड गॉड मेनूमेंट के सर्वोत्तम टॉप लेवल के रूल्स हैं। एक बार जब मैं इन्हें समझ जाऊँगा तो वर्ल्ड गॉड मेनूमेंट को मैं इसे नई तकनीक से कई टॉप लेवल तक ले जा पाऊंगा और इससे मैं अपनी स्पिरिट को भी कनेक्ट कर पाऊंगा। फिर हम देखते हैं लियन के पसीने छूट रहे होते हैं। लियन हंसते हुए कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस बॉडी टेम्परिंग मंत्रा को समझने के कारण से इस दुनिया के नियमों को आहत पहुंचेगी। मतलब कि लियन ने जो ब्रेक थ्रू किया है उसके वजह से। और लियन कहता है कि मैं इस बॉडी टेम्परिंग मंत्रा अगर मेरे पास नहीं होती तो मैं इन्हें अब तक रोक भी नहीं पाता। डिवाइन गॉड मेनूमेंट के भीतर इन नियमों वाले स्रोतों को प्रकट करने के कारण मुझे बहुत ही तकलीफ़ हो रही है। मैं इन्हें ज़्यादा देर तक नहीं रोक पा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं लियन ऊपर में लिखे कुछ वर्ड्स को देखता है जो कि लिखे हुए होते हैं, एशियंट एयर सिंपल फैंटेसी फुल फॉर्म नेम क्लोज ब्रेक टाइप स्प्रिट डार्क सन ब्राइट मून। फिर हम देखते हैं ये सब कुछ सुनकर इसे पढ़कर लियन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और लियन कन्फ्यूजन वाली शक्ल बनाते हुए कहता है, आखिर ये है क्या? ये हेवन को बदल सकती है, दुनिया बदल सकती है, पृथ्वी बदल सकती है और स्वर्ग बन जा सकती है। लियन ये सब कुछ पढ़कर उसे कुछ समझ में नहीं आता है। फिर लियन को हम देखते हैं अचानक जो खून की उल्टी करने लगता है और खांसते हुए कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि ये गॉडली एवोल्यूशन टेक्निक आमने ये कोई आम भाषा से लिखी हुई नहीं है। मुझे इस गॉडली एवोल्यूशन स्क्रिप्चर्स को पढ़कर समझने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं वो स्क्रिप्चर्स आपस में टकराने वाली होती हैं, वो उनका प्रेशर बढ़ जाता है और लियन कहता है यहाँ तक कि जो मेरी बॉडी टेम्परिंग मंत्रा वाली ये बॉडी है ये भी इसे सरपास नहीं कर पा रही है, इसे रोक नहीं पा रही है। अगर मैं इसे यन मौके पर नहीं रोक पाया तो मैं यहाँ पर मर जाऊँगा और मैं इन गॉडली एवोल्यूशन टेक्निक्स को खो दूँगा। फिर हम देखते हैं लियन अपने मन में कहता है, चूँकि गॉडली एवोल्यूशन टेक्निक को मैं अपने माइंड में इस प्रिंट कर सकता हूँ तो मुझे यही सबसे पहले कर लेना चाहिए। फिर हम देखते हैं लियन पूरी ताकत लगाकर अपने दांतों को पीसते हुए कहता है, चलो इसे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि लियन के माइंड से कई सारे क्यूआई एनर्जी निकलने लगती है और लियन कहता मन में कहता है कि डिवाइन स्क्रिप्चर्स मेरी चेतना में मेरी माइंड में प्रिंट हो जाओ। और हम देखते हैं लियन की क्यूआई उन सभी स्क्रिप्चर्स पर जाकर चिपकने लगती है और हम देखते हैं उनका प्रेशर और भी बढ़ चुका होता है। लियन चिल्ला रहा होता है और वो स्क्रिप्चर्स लियन को दबाते दबाते पूरी तरह से बंद हो जाती है। हम देखते हैं वो पूरी तरह से लॉक हो चुकी होती है। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं वो स्क्रिप्चर धीरे धीरे खुलती हैं और वहाँ से एक साउंड आ रही होती है, टिड़म करके कुछ गुनगुनाहटे वाली आवाज़ें आ रही होती हैं एशियंट समय के। और फिर हम लियन को देखते हैं कि वो दीवार हट जाती है और लियन उन वर्ड्स से घिरा होता है और नीचे गिर रहा होता है और लियन मन में सोचता है ये तो डिवाइन एवोल्यूशन साउंड है। फिर हम नीचे गिरते हुए मन में सोच रहा होता है कि मेरे रिकार्नेशन के समय ये स्क्रिप्चर्स मुझे वापस अपने याददाशों को लाने में मेरी हेल्प की थी। फिर हम देखते हैं लियन पूरी तरह से घायल हो चुका होता है और उसी तरह से वह सोचते हुए कहता है, ये फीलिंग क्या मैं फिर से मर चुका हूँ, क्या मैं फिर से रिकार्नेट हुआ हूँ जो मुझे ये साउंड सुनाई दे रही है। फिर हम देखते हैं लियन गिर रहा होता है और उसके चारों ओर खून फेंक चुके होते हैं और लियन कहता है, डेफिनेटली ये मेरे ही ब्लड्स हैं। फिर हम देखते हैं लियन की हालत ख़राब होती है चूसे हुए आम की तरह।
फिर हम देखते हैं नीचे लियन गिरते हुए ही अपने आप को संभालता है और अपने बॉडी में चारों ओर अपनी कीवाई को फैलाकर अपने आप को रिकवर करने लगता है। और लियन हैरानी से कहता है कि क्या मेरी जो स्प्रिट पावर है ये तो 5 टायर रिफाइनर तक पहुंच चुकी है। हम देखते हैं लियन कल्टीवेशन करने के लिए बैठ चुका होता है, हवा में ही अपने आप कल्टिवेट कर रहा होता है, अपने आप को रिकवर कर रहा होता है और माइंड में कहता है ये जो गॉडली एवोल्यूशन टेक्निक है और जो मेरी बॉडी टेम्परिंग मंत्रा है ये दोनों ही एक हेवनली गॉडली स्क्रिप्चर्स हैं। क्या वे ये सब कुछ उन 10 अल्टीमेट रियलम एक्सपर्ट्स के देन है? क्या उनके द्वारा छोड़ा हुआ ये स्क्रिप्चर्स है? फिर हम देखते हैं लियन अपने होश में आ जाता है, खड़ा हो जाता है हवे में ही और अपने आप को संभालते हुए लियन कहता है, हैरानी के साथ कहता है, लेकिन इस तियानु कॉन्टिनेंट में तो जो 10 अल्टीमेट रियलम एक्सपर्ट्स है उनका जिक्र ही दर्ज नहीं है, लेकिन मुझे इतने कम समय में ही 2 स्क्रिप्चर्स मिल चुके हैं, मुझे भरोसा नहीं होता। फिर हम देखते हैं लियन को अचानक कुछ नोटिस होता है और कहता है ये तो वही है। फिर हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम सुप्रीम हाई पैलेस को देखते हैं, जहां पर हम एक ओल्ड मैन को हल्ला करते हुए देखते हैं जो कहता है कि क्या इस सुप्रीम हाई पैलेस में कोई बचा नहीं है, आखिर यहाँ पर कोई है क्यों नहीं। फिर हम देखते हैं लियन वहाँ पर आ चुका होता है और कहता है क्या यान एनर्जी है, क्या यान फोर्स है। फिर हम देखते हैं उन तीनों का ध्यान लियन की ओर जाता है। फिर हम देखते हैं वो ओल्ड मैन चिल्लाकर कहता है ये गधा, ये बच्चा, आखिर ये तो यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर हम देखते हैं लियन उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहता है मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम सभी कहाँ थे, आखिर मैं तुम्हें एक मोमबत्ती जलाकर खोज रहा था, आखिर तुम लोग इतने समय से कहाँ थे। और लियन अपने मन में कहता है कि इनकी तो कि ये तो मेरे यूनिवर्सल डिटेक्शन में भी पकड़े नहीं गए, क्या ये लोग उस जगह से बच गए, उस ट्रेजिडी से बच कर निकल गए। फिर हम देखते हैं वो ओल्ड मैन चिल्लाकर लियन की ओर कहता है कि ब्रेट तुम हमारे रियल फिनिक्स फ्लेम को वापस कर दो, हाँ नहीं तो आज मैं तुम्हें यहीं मार डालूँगा। फिर हम देखते हैं कि वो रिफाइनर अपने अंकल को रोकते हुए कहता है कि रुक जाइए, आप उसे नहीं मार सकते, हमें वो जिंदा चाहिए, ये हेवन द्वारा दिया गया एक तोहफा है जो हमें ये दोबारा मिल चुका है। हम देखते हैं ये सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है हाँ 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 मैं इसे जान से नहीं मारूंगा, तुम यहाँ से भागने की बजाय तुम हमसे मिल गए हो, लेकिन आज तुम मुझसे बचकर यहाँ से भाग नहीं पाऊँगा, नहीं पाओगे, मैं तुम्हें स्वयं या इस दुनिया से विदा करूँगा। और हम देखते हैं वो एक अटैक को लियन की ओर कर देता है, थंडर अटैक को, जिसे देखकर लियन अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है मैं तुम लोगों को बताना भूल गया कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम लोगों के पास आया है स्वयं, तुम लोग वो हो जो मेरे पास खुद चल के आए हो मेरे घर में। और हम देखते हैं लियन अपने स्वॉर्ड से एक टाइगर अटैक को कर देता है और जो टाइगर अटैक सीधे उस ओल्ड मैन के को अटैक करने के लिए जाने लगता है, जिसे देखकर वो ओल्ड मैन तुरंत अपने लाठी के साथ अपने सामने एक बैरियर को बना लेता है और जो कि अटैक सीधे जाकर उस बैरियर से टकराता है। फिर वो ओल्ड मैन हैरान हो जाता है और कहता है ये इम्पॉसिबल है, आखिर ये कैसे हो सकता है। हम देखते हैं वो ओल्ड मैन चिल्लाकर कहता है लियन की ओर देखते हुए एक मार्शल आर्ट लॉर्ड, आखिर तुम कुछ महीने पहले तो ही एक 9-स्टार मार्शल मास्टर थे, आखिर तुम इतने जल्दी एक मार्शल लॉर्ड कैसे बन सकते हो। हम देखते हैं ये देखकर वो हर बाल वाला बंदा वो रिफाइनर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या इम्पॉसिबल, आखिर ये कैसे हो सकता है। फिर वो इन रिफाइनर हल्ला करते हुए कहने लगता है सच में इसे ये सब कुछ उस फिनिक्स फ्लेम की पावर्स है, इसने उसे अब्जॉर्ब कर लिया है जिसकी वजह से इसे इतनी खतरनाक स्पीड मिली है कल्टीवेशन की, जिसकी वजह से ये इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच चुका है, हमें वो फ्लेम वापस रिटर्न करो। हम देखते हैं वो ओल्ड मैन भी चिल्लाते हुए कहता है ब्रदर अगर तुम होशियार होगे तो तुम सच में वो फिनिक्स के लपटे हमें वापस दे दो, उसके बाद हम देख लेंगे कि तुम्हें कैसे बचाना है। हमारे पास जो यांगमिंग है ये एक 4 टायर रिफाइनर है, ये तुम्हें बचाने का कोई ना कोई रास्ता खोज लेगा। हम देखते हैं उनकी इन सारी धमकियों को सुनकर लियन शांति से खड़ा होता है और कुछ गुनगुना रहा होता है। हम देखते हैं फिर उस गुनगुनाहट को सुनकर उस वर्ल्ड वॉर मोनूमेंट के अंदर से कोई बाहर आता है। हम देखते हैं ये डून होता है, डून बाहर आकर कहता है आखिर क्या चल रहा है यहाँ पर, मैं अपनी कल्टीवेशन के मेन स्टेज पर था, आखिर अब हमारी फाइट किसके साथ होने वाली,
वाली है, किससे लड़ना है। हम देखते हैं डून को वहाँ पर आते हुए देखकर उन तीनों की फट जाती है और उन तीनों की हालत ख़राब हो जाती है। फिर हम देखते हैं वो ओल्ड मैन झेंग जी कहता है मन में कि उसकी पावर बहुत ही अधिक है, वो डेफिनेटली मेरी पावर को सरफेस कर रहा है, सरपास कर रहा है, वो मेरी पावर्स को दबा रहा है ईजी से। फिर हम देखते हैं वो ओल्ड मैन अपने टोन को चेंज करते हुए कहता है कि कौन है आप एल्डर, जरा हमें बता सकते हैं। हम देखते हैं ये सुनकर डून कहता है ओ ये तो एक वन स्टार ग्रैंड मास्टर है, आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। हम देखते हैं झेंग जी कहता है कि क्या मैं कृपया इस बच्चे के साथ अपने संबंध के बारे में, आपके संबंध के बारे में जान सकता हूँ, आखिर तुम्हारा आपका रिलेशन क्या है इसके साथ। और वो रिफाइनर कह रहा होता है वो आदमी अभी उस वर्ल्ड गॉड मेनूमेंट के अंदर से आया। वो हम देखते हैं कि डून उनकी ओर देखकर कहता है आखिर तुम कौन हो ये पहले बताओ। फिर हम देखते हैं लियन कहता है कि तुम लोग यहाँ से भागो ना, इसलिए मैंने इसे बुलाया है। हम देखते हैं लियन की इस तरह की बात को सुनकर वो ओल्ड मैन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने दांत को पीस रहा होता है। फिर हम देखते हैं ये सुनकर डून भी सोचने लगता है आखिर ये ब्रेट सोच क्या रहा है, क्या उस वन स्टार ग्रैंड मास्टर के साथ अकेले ही फाइट करना चाहता है और मुझे उन्हें रोकने के लिए सिर्फ यहाँ बुलाया है ताकि वो भागे ना। आखिर उनकी इसके और उसके बीच में पूरे दो रियलम का अंतर है, क्या इन्हें वो सरपास कर सकता है। इसे सरपास करना बहुत ही मुश्किल है, केवल टेक्निक्स के द्वारा ये नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं वो रिफाइनर कहता है डून को कि एल्डर मैं एक 4-टायर रिफाइनर हूँ, अगर आप इस मैटर में अपना हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो मैं आपका ऋणी रहूँगा और मैं आपका एहसान जरूर चुकाऊँगा। हम देखते हैं ये सुनकर डून कहता है कि एक 4-स्टार रिफाइनर गेट लॉस्ट, मैं तुम्हारे जैसे रिफाइनर्स को वैल्यू नहीं देता हूँ। फिर हम देखते हैं वो मुस्कुराते हुए लालच भरी नज़रों से लियन की ओर देख रहा होता है और कहता है ये तो आप खुद ही 5-टायर का रिफाइनर बन चुका है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं ये सुनकर ये रिफाइनर हैरान हो जाता है और कहता है आखिर ये मेरी इस तरीके से बेइज्जती कैसे कर सकता है, चाहे क्यों ना एक एम्परर ही हो लेकिन वो रिफाइनर से एक रिफाइनर 4-टायर रिफाइनर से पंगा नहीं लेगा। लेकिन इसकी आदत को देखकर तो लगा कि ये सचमुच मुझे कुछ नहीं समझता है। फिर हम देखते हैं वो ओल्ड मैन झेंग जी कहता है कि एल्डर क्या मैं इस छोटे से चोर को अपने साथ ले जा सकता हूँ। हम देखते हैं ये सुनकर डून हंसते हुए कहता है अच्छा तुम सच में इसे ले ही जाना चाहते हो। फिर हम देखते हैं ये सुनकर ओल्ड मैन कहता है अफकोर्स मैं आपका इसके बारे में क्या विचार है, क्या आप कुछ और सोच रहे हैं। फिर हम देखते हैं लियन कहता है कि झेंग जी चलो एक शर्त लगाते हैं। हम देखते हैं ये सुनकर झेंग जी चिल्लाकर कहता है कि ब्रेट तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट बन रहे हो, आखिर तुम मुझसे शर्त लगाने के लायक भी हो। फिर झेंग जी कहता है अच्छा बताओ तुम्हारी शर्त क्या है, सुन लेता हूँ। फिर हम देखते हैं वो लियन कहता है डून की ओर इशारा करते हुए कि ये जो मैन है, ये जो आदमी है, यहाँ से हिलेगा भी नहीं, कुछ भी एक्ट नहीं करेगा और मैं तुम्हें सिर्फ डिफीट करूँगा। अगर मैंने तुम्हें डिफीट कर दिया तो तुम मुझे फॉलो करोगे, अगर तुमने मुझे डिफीट कर दिया तो मैं तुम्हें फिनिक्स ट्रू फायर दे दूँगा। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। इसके नीचे हमें दिखाया जाता है लिखा हुआ ए कॉन्फिडेंट चैलेंज। लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट।